कहीं शिवगढ़ राज्य पर एक महान सम्राट का शासन था, लेकिन इस राज्य पर कुछ सालों से प्रकृति की आपातकालीन समस्या बनी हुई थी और वह सम्राट अपनी प्रजा के लिए जितना हो सके वह सब करता। ऐसा सम्राट उदार होने के साथ साथ पराक्रमी और बुद्धिमान भी था। उस महान सम्राट का नाम था सम्राट कुंभा। महामंत्री जी, इस साल भी हमेशा की तरह बारिश नहीं हुई। जी सम्राट, नहीं हुई तो इस साल भी हम प्रजा से कम लगान वसूल करेंगे। जी महाराज, मैं ऐलान करवा दूंगा। सम्राट की जय हो। क्या खबर लेके आए हो? सम्राट, बिच्छू राजा के यहाँ से कोई दूत आया है। बिच्छू राजा के यहाँ से कोई दूत आया है? सत्कार के साथ बुलाओ उसे। महामंत्री, इनका संदेशा पढ़ो। युद्ध केवल रक्त मांगता है, हम आपके सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं। महाराज, बिच्छू राजा एक नंबर का क्रूर राजा है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज, उस पर विश्वास करना आग के साथ खेलना जैसा होगा। महामंत्री जी, आपका कहना सत्य है, लेकिन युद्ध से केवल हानि ही होती है, इसलिए हमें संधि का प्रस्ताव मंजूर है। जी महाराज, मैं अभी इस संधि का जवाब भिजवा देता हूँ। सम्राट, आपने पुजारी जी को बुलाया था, वे आ गए हैं। भेजो उन्हें। पुजारी जी को हमारा प्रणाम। पुजारी जी, आप तो सब जानते हैं हमने आपको किस लिए बुलाया है। महाराज, आपके पुत्र की लाइलाज बीमारी और राज्य पर छाए हुए सूखे की समस्या से मैं भलीभांति परिचित हूँ। जी पुजारी जी, इसका उपाय बताएं। इस समस्या का उपाय केवल स्वामी जी बता सकते हैं। वे कई सालों से पश्चिम दिशा की ओर पहाड़ी के उस पार घने जंगलों के बीच तपस्या कर रहे हैं। मैं तो फिर अतिशीघ्र उनसे मिलने जाऊंगा।